आज मैं आपको हर्बल मेहंदी से और भी अच्छे रिजल्ट के लिए क्या क्या विधि होती है बताने वाली हूँ। इससे आपके हेयर और भी सॉफ्ट हो, सिल्की स्मूथ, और इससे हेयर कंट्रोल होगा और डैंड्रफ भी कंट्रोल होगा। हेयर और इससे हेयर एक्स्ट्रा कंडीशनर देगा। इससे मैंने ये VLCC हर्बल लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। इसमें एक पैकेट 100 ग्राम का मैं मिश्रण बना रही हूँ। इसमें बीट रूट जूस डालेंगे 1 चम्मच, ये वाला टेबल स्पून लेंगे, और इसमें ये भृंगराज पाउडर लेंगे 1 चम्मच, ये भृंगराज पाउडर है। इसमें मैंने फ्रेश आंवला भी एक क्रश करके डाला है, ये देख सकते हैं आप, और मैंने इसमें आंवला शिकाकाई रीठा पाउडर भी डाला है, ये आप इधर देख सकते हैं, 1 चम्मच ये लेना है। अभी ये मैंने ड्राई लीफ कर रखे, करी लीफ, और हिबिस्कस फ्लावर, तो 2-3 हिबिस्कस फ्लावर ले लेंगे, इतना सा ये करी लीफ ले लेंगे। तो ये हमने पाउडर बना रखा है, तो ये हम 1 से 2 चम्मच डाल सकते हैं इसमें। और इसमें अभी हम दही भी डाल सकते हैं, दही डालने से हमारे बालों को मॉइस्चराइजर मिलेगा। अभी इसमें 1 चम्मच मेथी पाउडर डालेंगे हम। ये हमारा हो गया है, अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये मैंने पहले से ही चाय पत्ती का पानी उबाल के रखा हुआ है 1 गिलास के आसपास, तो इसको हम ऐसे डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। ध्यान रहे कि इसमें लम्स ना आए, आराम से धीरे धीरे हम मिक्स करते जाएंगे। और आपको ध्यान रखना है कि आयरन वाले बर्तन में ही आप इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये बीटरूट पाउडर जो है अपना कलर दे रहा है। यहाँ मैंने बीटरूट पाउडर यूज किया है, अगर आप चाहे तो फ्रेश बीटरूट जूस भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। हम इसमें और पानी ऐड कर लेंगे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो इसमें एग भी ऐड कर सकते हैं, तो एग का ओनली व्हाइट पार्ट आप ऐड करेंगे बालों के लिए। ये हमारा मिक्स हो गया है, इस सुबह तक बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। ध्यान रहे आप आयरन वाले में ही करें, इससे हमारे बालों को आयरन मिलेगा, वो बालों के लिए अच्छा रहता है। अभी हम इतना सा एक प्याज सुबह में ऐड करेंगे, उसको ग्रेट करके उसका वाटर ऐड करेंगे, उससे बालों का नया ग्रोथ आता है। अगर आप इस प्याज का अल्टरनेट डेज में यूज करते हैं तो भी आपके बालों को नया ग्रोथ आता है। तो मैं ये इसी में डाल दूंगी सुबह में, क्योंकि पूरी रात भर वो अच्छा नहीं रहता है, इसलिए वो फ्रेश जूस डालेंगे सुबह जब लगाने के टाइम पे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कैसी हो गई। अगर आपको ये थिक लग रहा है सुबह में भी, तो आप इसको और पतला कर सकते हैं, पानी डाल सकते हैं एक्स्ट्रा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए।